सादे दिखने वाले, दृढ़ निश्चय वाले थे। सत्य अहिंसा जिनकी लाठी, बापू तो सबसे निराले थे। सुप्रभात, मैं अग्रिमा खंडेलवाल आज आप सभी के समक्ष इस शुभ दिन पर होने वाले कार्यक्रम का संचालन करने के लिए उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे राष्ट्रपिता की 151वीं जन्मतिथि है और इस शुभ अवसर पर एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए हम आपके समक्ष ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि हम बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। अब रुक करते हैं हमारी आज की प्रार्थना की ओर, जिसका संचालन आज स्वयं हमारे विद्यालय के संगीताध्यापक श्री सुनील पांडे सर करेंगे, जिनके सम्मान में मेरे दो शब्द। खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमान की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ान। वैष्णव जन तो तेने कही ये जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। सकड़ लोक मां सबुने बंदे निंदा न करे के नीरे, काछ मन निश्चर राखे धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। इसके पश्चात हम रुक करेंगे आज की सुविचार की ओर, जिसके लिए मेरी सहपाठी मनीषा उपस्थित होंगी। सुप्रभात, आज का सुविचार यह है कि आप स्वयं वह बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। मैं ये सुविचार दोबारा दोहराती हूँ, आप स्वयं वह बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। धन्यवाद। कहते हैं सही राह का पता तभी चलता है जब उसके मार्गदर्शक साथ हों। आज हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी उपस्थित होंगे। सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, सभी शिक्षकगण और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम सभी गांधी जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। हर साल उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करने में मदद की और भारत को एक स्वतंत्र देश बनाया। यही वजह है कि उनका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी महान चरित्र के साथ अच्छे आदमी थे। वे जीवन भर सत्य और अहिंसा के राह पर चले। गांधी जी ने बिना हथियार अहिंसा के साथ भारत को आजादी दिलाकर सभी को सच्चाई और अहिंसा का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गांधी जी के अच्छे कार्यों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष उनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। उन्हें 3 गोली मारी गई थी और उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। हम लोग उन्हें राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था।
आज हम सभी लोग स्वतंत्र देश में सांस लेते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बापू ने हमें आजादी देने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हम सबको उन्हें सदैव याद रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बापू के सपनों को फिर से सजाना है, देखकर लहू का कतरा इस चमन को बचाना है। बहुत गा लिए हमने आजादी के गाने, अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। सीधा साधा वेश था, ना कोई अभिमान, खादी की एक धोती पहने बापू की थी शान। पुनः आप सभी को गांधी जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। संगीत की पवित्रता कुछ इस हद तक होती है कि उसे कहीं पर भी बांधा नहीं जा सकता, और इसी संगीत की प्रस्तुति के लिए कक्षा 11वीं की छात्रा ट्विंकल उपस्थित होंगी। बातें उनसे भी सीख लेनी चाहिए जो हमसे थोड़ा आगे निकल चुके हों। इसी बीच हमारे साथ उपस्थित होंगे हमारे विद्यालय की हेड गर्ल कृतिका कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज कृतिका कुमारी एंड वी हैव गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। दिस इज गांधी जीज 150th बर्थ एनिवर्सरी। Because of his struggle for India's independence, Netaji Subhash Chandra Bose gave him the name of Father of the Nation. Also, sometimes we call him Bapu. In India, Gandhi Jayanti is celebrated every year on 2nd October to pay tribute to him who devoted his entire life for India's independence by using a strong weapon, non-violence. Not only in India, in fact in the whole world, this day is also celebrated as International Day of Non-Violence. Every year, Gandhi Jayanti is fested at Rajghat, Delhi. Our Prime Minister, along with the President of our country, gathers to pay tribute to him by offering flowers to his samadhi. Also, his favorite song, Raghupati Raghav Raja Ram, is sung for him. All schools, colleges, private offices and government organizations remain closed on this national holiday. Today, on his birthday, let us remember him and celebrate this day with joy and prosperity. His life is an inspiration for all of us, and the struggles he did are our responsibilities now. Let us contribute ourselves to the growth and development of our country to pay a salute to nation's father. A speech is not enough to speak about Mahatma Gandhi's values and deeds, but as the future of our country, we can honor him
by living our lives by his principles of truth, peace and non-violence and lead the nation to an incredible India. Jai Hind, Jai Bharat. इसके पश्चात हम रुक करेंगे एक बहुत ही मनमोहक नृत्य की ओर, जिसकी प्रस्तुति के लिए हमारे विद्यालय की छात्रा प्रिशा हमारे बीच उपस्थित होंगी। चलते थे वो शान से सालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे हो पर था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के बात है कि कविता दिल के भावों को स्पष्ट करती है और इसी कविता की प्रस्तुति के लिए हमारे बीच कक्षा 10वीं की छात्र अमन आदित्य उपस्थित होंगे। सुप्रभात, आज मैं अमन आदित्य कक्षा 10वीं अ का छात्र आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जी जान कोशिश की और उन्होंने सच्चाई एवं अहिंसा के प्रयोग कर हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। आज मैं इस उत्सव पर महात्मा गांधी जी के ऊपर एक छोटी सी कविता गाने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। सच्चाई का लेकर शस्त्र और अहिंसा का ले अस्त्र, तूने अपने देश को बचाया, गोरों को था दूर भगाया, दुश्मनों से प्यार किया, मानव पर उपकार किया, गांधी करते तुझे नमन, चढ़ाते तुझे प्रेम सुमन। धन्यवाद। एक बेहद ही नाटकीय प्रसंग की ओर, जिसकी प्रस्तुति हमारे विद्यालय की एक बहुत ही छोटी और मनमोहक बालिका द्वारा की जाएगी, जिसका नाम सनोवर है। अम्मा, why do we have a holiday today? बेटा, 2nd October marks the birth anniversary of father of a nation. Wow, a whole nation has a father? But why he is known as the father of a nation? Father of a Nation is a title given to him by a great soul and Nobel Prize winner Rabindranath Tagore. Gandhiji wasn't very fond of the name as well, despite being referred to as. But we all owe him the respect and gratitude, just like children owe to their fathers. At a time when we were divided, weak and lacking direction, he came to us as a patron of freedom, self-expression and patriotism.
We needed a leader who could blind us all together and change the way he thought as a whole country. That is why we celebrate his birthday. How can we become like Bapu? Bapu jaisa banne ke liye tumhe unki main baatein yaad rakhni hogi. First, always speak the truth. Second, cleanliness is next to godliness. Third, an eye for an eye, we will make the whole world blink. And fourth, be the change you want to see in the world. If we learn his four basic teachings with all our heart and soul, imbibe his word into our daily practice, we can become much more satisfied and content person. If you little kid want to be like Bapu, then go on, be the most amazing version of yourself. Be completely you. But always remember, always be true to yourself and others. Always work with an honest heart and open mind. And dheere dheere, you will also become like Bapu, only with a ponytail. आखिर में हम लोग चलेंगे हमारी आखिरी और धन्यवाद प्रस्ताव की ओर, जिसकी प्रस्तुति के लिए मैं हमारे विद्यालय के हेड बॉय मास्टर राहुल गर्ग को आमंत्रित करूंगी। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, सहायक अध्यापक गण और मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं राहुल गर्ग, स्कूल का हेड बॉय, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का दिन 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी को समर्पित है, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई। मैं तहे दिल से असेंबली इंचार्ज संगीत और नृत्य के अध्यापकों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि गांधी जयंती के अवसर पर उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया। हमारे संस्था के हेड को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करने की प्रेरणा दी। धन्यवाद।